जनरल दिलावर सिंह जी हैं, मेजर जनरल रणजीत सिंह वीसी रणबीर यूनिवर्सिटी हैं, और मेरे साथ में बैठे विंग कमांडर जी जो एसएस बोर्ड को भी इंटरव्यू लेते थे वो भी बैठे हैं। तो इनकी भी मदद लेकर के मोदी जी से लेकर के हम सुपर 100 का भी बाद में शुरू करेंगे। जैसे जैसे हमारा निर्माण पूरा होता जाएगा तो हम उसको यूपीएससी तक लेकर जाएंगे। तो आज का मेन मकसद हमारा है 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन ना 26 नवंबर को आने वाले परसों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन वहाँ पहुँचे छोटूराम जयंती मनाने के लिए, और उनका सातवां ये DCR का जो है सातवां स्थापना दिवस मनाने के लिए पहुँचे, और ये काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा, हमारी जाट आरक्षण की भी बात है। मैं जाट आरक्षण का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम ये नहीं कहते भी हम सड़क पर उतरेंगे, हम अग्रेसिव रोल कभी नहीं अपनाया और ना आगे अपनाएंगे, न हम सड़कों पर जाएंगे न हम कोई ट्रैक रोकेंगे, लेकिन हम अपनी बात जो अभी इलेक्शन आने वाला है, जो भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी से आएगा या जो भी सरकार हमारे को आरक्षण की बात कहेगी तो हम उसके लिए ज़रूर उसको बात करेंगे। हम वोट की चोट से, हम चाहते हैं वोट की चोट से ही कामयाबी हासिल हो। सरकार ने कई बार वादे किए और हर बार अपने वादे से मुकर जाती है, तो हमारे केस भी जो अधूरे रह रहे हैं कुछ वापिस हो गए कुछ रह रहे हैं, ये भी हमारी सरकार से मांग है। तो इस संबंध में हम अनिल विज गृह मंत्री से भी कई बार मिले हैं। और दूसरा, हमारे साथ एक और बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है SBC के बच्चों का। वो हमारे 1669 बच्चे 2015 में सिलेक्शन हुई थी, जबकि EBPG इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी जिसमें चार जातियां हैं बनिया पंजाबी राजपूत और ब्राह्मण, उनमें से कल लगभग 8200 बच्चों को जो है कंडीशनल ज्वाइनिंग करा दी, जबकि केस दोनों का हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये एफिडेविट लेकर के उन बच्चों से अभी जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। हमने भी सरकार से कई बार विनती की भी आप भी हमारे बच्चों को इसी तरह ज्वाइन कराओ, कंडीशनल करा दो, जो भी फैसला हाई कोर्ट का मान्य होगा हमारे हक में होगा तो ठीक है, हमारे खिलाफ होगा तो ऑटोमेटिक नौकरी जो जिसमें भी वो ज्वाइन करें चले जाएंगे। तो हमारे साथ यही भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके लिए भी हम सरकार से गुहार करते हैं, विनती करते हैं, अर्ज करते हैं कि हमारे बच्चों को भी जिस प्रकार EBPG के बच्चों को नौकरी जो मिली है तो हमारे SBC जो स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी जाट समाज के लिए थी वो भी मिलनी चाहिए। और यही मुहिम हम इसके बाद पूरा जब तक जिला सत्र करके मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से गंगाराम चौरान जी मिल बैठे हैं, उनको भी हमने कहा कि भी आप इस बात का हर जिले का जो है आप जो डेट फिक्स करके चाक आउट करो जो भी, और उसके बाद हम हर जिले पर जाएंगे और अपने आरक्षण के लिए सरकार से भी गुहार करेंगे, और जब तक आरक्षण नहीं मिलता जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, न कभी बंद हुई है न आगे बंद होगी। लेकिन हमारा मोटिव एक ही है कि भी आरक्षण की लड़ाई अग्रेसिव ना होकर के शांति प्रिय रहे, यही हमारे भाइयों से भी विनती करते हैं। और मैं हमारे लिए 36 बरादरी आदरणीय है, 36 बरादरी हमारे लिए आदरणीय है जाट समाज के लिए। कुछ भाई हमारे उग्र हो जाते हैं कुछ होते हैं तो उनको भी हम समझाते हैं भाई ऐसे नहीं है, जिस प्रकार हमारे दादा परदादा गांव में रहते थे 36 भाई का बरादरी का भाईचारा था, और जो नेग से बोलते थे चाहे कोई किसी बरादरी का हो, जो गांव में जिस भी नेक से बोला जाता था ताऊ था चाचा था, ब्राह्मण को तो यहाँ तक भी हम दादा भी बोलते थे छोटे से बच्चे को भी। तो हमारा एक ही विनती है कि 36 बरादरी हमारा लिए आदरणीय है, और हम न किसी के विरोधी हैं। बहुत से आदमी हमारे को कहते थे BC के तुम हमारे आरक्षण में घुसोगे, भाई आप एक बात बताओ 77 जात BCA में है जिसमें खत्ती लुहार मुहार सुनार जो मेन बिरागी हैं वो तो 16% में हैं, और जो गुरुनाम आयोग के अनुसार से 11% में 12 जातियां थी जिसमें से जो है सैनी गुज्जर
अहीर और लोधा लोधी और ये गोस्वामी, ये तो अभी उस 11% में है। और 6 जातियां भजन लाल ने दो है सन 1991 में निकाल दी, उनमें से जाट, मूला जाट, जाट सिख, रोड, त्यागी और बिश्नोई। तो हम ये चाहते हैं कि वो 6 जातियां बीसी बी में आएंगी, ए में नहीं आएंगी, कोई फैक्टेड नहीं होगा, तो वो भी उनका भी इक्वल स्टेटस है जो जाति आरक्षण ले रही हैं, उनको सामाजिक तौर से भी, बल्कि यहाँ कर आर्थिक तौर से तो हमारे से अहीर भाई हैं, अपने गुजर भाई हैं, सैनी भाई हैं, वो जाट समाज के बहुत से भाइयों से ज़्यादा जमीन है, 150-150 एकड़ जमीन है, लेकिन उनका उक्का पानी भी हमारे जैसा है, सामाजिक स्तर भी वही है, आर्थिक भी वही है, सामाजिक भी वही है, शैक्षणिक भी वही है। जब उन भाइयों का आरक्षण मिल रहा है तो हम भी यही विनती करते हैं सरकार को, हमारे को बी सी बी में आरक्षण दे, हमारी मेन लड़ाई यही है। और यही विनती है कि भी हम दोबारा से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज के भाइयों से, 36 बिरादरी के भाइयों से एक विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि 26 नवंबर दिन रविवार को छोटू राम धाम दशहरा पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।